अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है यानी कि अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है ये यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, यानी कि सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और आपको जो अपना आवेदन फिल करना होगा केवल और केवल आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड से इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2021 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि भारतीय तटरक्षक की ओर से नई वैकेंसी आ चुकी है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। और आपको जो अपना आवेदन फिल करना होगा केवल और केवल आपको आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड से भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। कब से कब तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, आपको जहाँ पर दौड़ लगानी होगी 1600 मीटर दौड़ के लिए 7 मिनट का आपको यहाँ पर समय भी दिया जाएगा, जो कि काफ़ी आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कितनी यहाँ पर आपके हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, सभी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो उस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उसका नेम रहेगा वो इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। भारतीय तटरक्षक की ओर से यहाँ पर ये भर्ती चलने वाली है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल और केवल इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि भारतीय किसी भी कोने से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जॉब करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, यानी कि जो आपका हाइट रहेगी सभी कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट जोन में आते हैं, जो आपका हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यह मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूं जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपका यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का फ्लाव भी होना अनिवार्य है। जो आपके यहाँ पर दौड़ होगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर के लिए आपको यहाँ पर 7 मिनट का समय दिया जाएगा। उठक बैठक आपके 20 होंगे और पुशअप्स आपको यहाँ पर 10 लगाने होंगे। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 34,100 से लेकर 72,400 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल दिया जाएगा, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपके जो 18 से लेकर 22 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप SC और ST कैंडिडेट है 18 से लेकर 28, और अगर आप OBC कैंडिडेट है 18 से लेकर 25 के बीच में अगर आपकी एज है तब भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपको एज में छूट दी जाएगी। SST वालों को 5 दी जाएगी, OBC वालों को यहां पर 3 छूट भी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यानी कि जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 250 रुपए पर कैंडिडेट आपको यहां पे करना होगा, और SST कैंडिडेट के लिए यहां पर कोई फीस नहीं होगी, ये सभी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। और जब आपको फीस पे करनी होगी वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान द्वारा आप इसको पे भी कर पाएंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले सकते हैं। इस भर्ती की हिंदी में जानकारी लेने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स आपके इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, यानी कि इनकी जीरोक्स भी आपके पास होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं है तब आप इन्हें कोई और ID भी दे सकते हैं, उससे भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फिल कर सकते हैं। अगर हम इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद आपके यहाँ फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। इस भर्ती का एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको जो टोटल वैकेंसी दी गई है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं,
32 वैकेंसी दी गई टोटल, जो पोस्ट नेम होगा टोटल आपको यहाँ पर तीन प्रकार की वैकेंसी दी गई है, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए यानी कि जीडी के लिए, और जो सेकंड वैकेंसी होगी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, और जो तीसरी वैकेंसी होगी यांत्रिक के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जो पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल होगी आपके यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पर जनरल ड्यूटी यानी जीडी की वैकेंसी होगी उसमें 260 वैकेंसी होगी, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 35 वैकेंसी होगी, और यांत्रिक के लिए आपको यहाँ पर 27 वैकेंसी दी गई है, यानी कि टोटल वैकेंसी हो जाएगी 322 वैकेंसी टोटल दी गई है। इस भर्ती हुई एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जीडी की वैकेंसी होगी उसमें 10+2 12वीं पास होना अनिवार्य फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। जो डोमेस्टिक ब्रांच की वैकेंसी होगी उसमें सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। और जो यांत्रिक की वैकेंसी होगी इसमें यहाँ पर 10वीं पास होना अनिवार्य विद इंजीनियरिंग डिग्री के साथ, यानी कि आपके पास डिप्लोमा भी होना अनिवार्य है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जो यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है उसकी जानकारी भी आपको इस वेबसाइट पर मेंशन की गई, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे नाविक जीडी के लिए 260 वैकेंसी होगी, वो यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी आयो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, तो आपको यहाँ पर सभी जानकारी दी गई, आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और आवेदन आपको यहाँ से करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन के सामने रजिस्ट्रेशन है, लॉग इन है, आपको उस पर क्लिक करके आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन को सभी जानकारी प्रोवाइड की गई है, क्या इस भर्ती की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, जो इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी उसकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर दी गई है। इस भर्ती की जो ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट होगी वो 4 जनवरी 2022 से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 14 जनवरी 2022 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। जय हिंद, वंदे मातरम।